गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल हेयर स्टाइल विद हिता। सो गाइस, कैसे हो आप लोग? तो आज मैं मॉर्निंग से वर्ड सावित्री ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो मैं फाइनली इस तरीके से तैयार हो चुकी हूँ, रेडी हो चुकी हूँ और मम्मी ऑलरेडी मंदिर जा चुकी हैं। मैं मंदिर जा रही थी तो मैंने सोचा उससे पहले मैं ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ, लेकिन मैं ब्लॉग यहीं से स्टार्ट नहीं कर रही हूँ। इसके पहले भी थोड़ी बहुत चीज़ें कुछ हुई हैं जो कि मैं एड ऑन करूँगी और आप बैक टू बैक देखते जाइएगा। हमने पूजा कैसे की, हमने व्रत अपना कैसे किया और बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यारा पूजा है ये, बहुत अच्छी तरीके से किया जाता है। तो वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ब्लॉग में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन भी हिट कीजिएगा। तो चलिए ब्लॉग में आगे बढ़ते हैं। A few moments later. A few moments later.
सो गाइस फाइनली हमारी पूजा हो चुकी है, मतलब मैं और मम्मी जी ने पूजा कर लिया है। और हम जहाँ पूजा करने गए थे, मतलब आज ना दो चीज़ें थी एक्चुअली। आज सोमवारी अमावस्या भी था, तो यहाँ पे फेरी लगाते हैं पीपल के पेड़ में, और वहाँ भी पूरी पूजा विधि होती है, श्रृंगार का सामान चढ़ाया जाता है, जो लोग करते होंगे उनको पता होगा। और तो आज डबल पूजा थी, एक वट सावित्री की पूजा थी प्लस सोमवारी अमावस्या था, तो इसलिए बहुत ज़्यादा वहाँ भीड़ थी। इसलिए हमने सोचा कि वट सावित्री की जो पूजा करनी है, वट जी की, उनकी घर पे हम पूजा करेंगे, आराम से पूजा करेंगे, क्योंकि वहाँ लोगों पे लोग चढ़े जा रहे थे, मतलब समझ में नहीं आ रहा था। मैं तो घबरा गई थी, आप यकीन नहीं मानेंगे, उतनी भीड़ में मेरे ऊपर तो छिपकली चढ़ गई थी, मैं एकदम डर गई थी, बहुत ज़्यादा डर गई थी। और ये सारी चीज़ें हो रही थी, तो और आप पूजा करने बैठ रहे हो, आपका ध्यान पूजा कम करने में और बाकी चीज़ें की जल्दी जल्दी करके हटो फटाफट चढ़ाने की बजाय आप फटाफट सामान उठा के सिर्फ रख दे रहे हो, तो इसका कोई मतलब नहीं निकलता। तो फिर मम्मी और मैंने डिसाइड किया, इवन बहुत सारी आंटियों ने डिसाइड किया कि हम घर जाके पूजा करेंगे। तो हमने गमले में वट का पेड़ लगा के पूजा किया, मतलब ऑलरेडी एक पेड़ था उसमें हमने वट का पेड़ भी लगाया, और उसके बाद गमले में ही भगवान को स्थापित किया, गौरी माँ को रखा, और उसके बाद हमने पूजा की। और बहुत ज़्यादा, मतलब कितना भी सुबह सुबह कर लो ना, मतलब कि फिर भी यही होता है, मैं तो फिर भी लेट उठी थी, मम्मी बहुत सुबह उठ गई थी और वो बाकी चीज़ें स्टार्ट कर दी थी बनाना बनाना। और पूजा भी उन्होंने काफ़ी हद तक मंडे की, मंदिर की भी पूजा, घर के जो मंदिर की पूजा होती है उन्होंने भी सारी तैयारी वो करके रखी थी। और फिर मैं फटाफट, एक्चुअली मेरा आज मंडे फास्ट भी है, तो वो पूजा करनी थी, फिर सोमवार अमावस्या की पूजा करनी थी, वट सावित्री की पूजा करनी थी, सारे बैक टू बैक करने पड़े। फाइनली हो गया सब कुछ, आराम से हो गया, और अभी मैं चेंज करूँगी फटाफट। और चेंज करने के बाद अभी प्रोफेसर साहब जाएंगे कॉलेज, तो उनके लिए तैयारी करनी है, उनका टिफिन लंच बॉक्स मुझे रेडी करना है, तो फटाफट वो सब कर लेती हूँ, क्या फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। सो फाइनली पूजा हो गई, मैं मेरी चाय लेके आ गई। बेडरूम की हालत देखिए कैसी हुई है, बहुत ज़्यादा थकान हो गई यार, गर्मी इतनी ज़्यादा थी ना कि पूछे मत। मैं यहाँ पे थोड़ा सा खाऊंगी मूंगफली और ये चाय। और एक चीज़ मैं शेयर करना चाहती हूँ कि मतलब मुझे पहले मूंगफली से एलर्जी था बहुत भयंकर वाला, तो जब भी मैं खा लेती थी ना तो पेट में बहुत तेज़ से दर्द होता था, और बिना हॉस्पिटलाइज हुए ना तो मैं ठीक ही नहीं होती थी। ऐसा एक दो बार हो चुका था मेरे साथ, तो मैं मूंगफली बिल्कुल भी नहीं खाती थी, लेकिन मैंने अभी स्टार्ट किया है, क्योंकि मुझे किसी डॉक्टर ने मतलब बोला कि कोई भी एलर्जी जो होती है वो 7 to 8 ईयर होती है, मतलब 6 साल या बोल सकते हैं 3 साल भी रह सकती है, 4 साल, तो वो कुछ ही दिन तक होती है। तो इंसान को कभी ना कभी वो चीज़ें खा कर ट्राई करनी चाहिए। बॉडी कभी कभी क्या होता है ना कि कोई चीज़ एक्सेप्ट नहीं करता, तो वही चीज़ होती है जिसको हम एलर्जी बोलते हैं। तो मैं बहुत टाइम से नहीं खा रही थी, मुझे याद भी नहीं था इसका टेस्ट कैसा है। आई थिंक सो कॉलेज स्कूलिंग में ही मेरा तबीयत बहुत ख़राब होता था, और तभी से मैंने इसको छोड़ दिया था, पर फिलहाल मैंने फिर से इसको स्टार्ट किया है। और मैं आपको एक बात करूं अगर कि मुझे कैसा लगता है, तो मैं आपको बता दूं, मुझे बिल्कुल भी कुछ भी फील नहीं होता, मतलब एलर्जी जैसा वो दर्द तो बिल्कुल भी नहीं होता। लेकिन हाँ, एक चीज़ होती है, जैसे कि मैं जब खाती हूँ ना तो थोड़ा सा एसिडिटी वाली प्रॉब्लम आती है। वैसे भी सब लोग बोलते हैं कि मूँगफली अगर खाली पेट खाई जाए तो एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, तो मुझे उससे होती है। फिलहाल सिंदूर देखो मेरा, तो फिलहाल अभी मैं यही खा रही हूँ, क्योंकि अभी मैं जल्दी जल्दी यार कुछ भी बनाने के मूड में नहीं हूँ कि मैं बनाऊँ। अभी तो ये लोग ऑफिस निकले हैं, मतलब भैया ऑफिस गए हैं, ये कॉलेज गए हैं, आज भी को नहला के रेडी किया, अभी बज कितने गए हैं 10, अब 10 बजे तक अभी इतना से काम हुआ है, बाहर की डस्टिंग वगैरह हो गई है, सबका ब्रेकफास्ट हो गया, अब किचन क्लियर करना बाकी रह गया है, और मुझे अपना बेडरूम सही करना है। मुझे ज्वेलरी साड़ी जो भी मैंने रिमूव किया वो सब सारी चीज़ें ऐसे ही पड़ी हैं, तो मैं वो सारी चीज़ें क्लियर करूँगी। और आप लोग बताइएगा कि आप लोग के यहाँ की पूजा कैसी रही, आप लोगों ने पूजा कैसे की। हाँ,
मजा आ गया। और प्लीज 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 मैं बोलूंगी कि थोड़ा सा नीड योर सपोर्ट गाइज, मतलब कि प्रॉपरली मुझे ना आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा साथ की ज़रूरत है। तो आप लोग को जो भी, देखो मैं ब्लॉग नहीं बोलूँगी ये शेयर करो, क्योंकि ब्लॉग शेयर करने का कोई मतलब नहीं बनता। हाँ आप उनसे किसी से बात करते हुए ज़रूर मेरी बातें कर सकते हैं कि आप उनके ब्लॉग देखो ये वो, लेकिन मैं जो मेकअप करती हूँ या फिर जो भी स्किन केयर करती हूँ, मैं चाहती हूँ कि वो सारी चीज़ें आप शेयर करो लोगों में, लोगों तक वो सारी चीज़ें पहुँचें, वो लोग भी वीडियोज़ देखें, उन लोगों को भी मेरे वीडियोस के बारे में पता चले, हो सकता है कि उन लोगों को भी पसंद आए। तो जब भी मेरा कोई वीडियो आता है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि स्टार्टअप करने के लिए ना सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और मुझे अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मतलब आप लोग के बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है। तो प्लीज़ थोड़ा सा ग्रो करिए आप लोग भी मेरे साथ साथ, मेरे चैनल को भी ग्रो करवाइए, और लोगों से बातें कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल के बारे में बात कीजिए। अभी बहुत काम है, रील तो मैंने 2000 शूट कर लिए, जो मैं गेटअप जिस गेटअप में थी उसी में कर लिए, तो आज रील वील नहीं शूट करूँगी, आज व्लॉगिंग ही करना है, एक्स्ट्रा कोई वीडियो भी नहीं शूट करूँगी आज, क्योंकि आज थोड़ा सा मुझे रेस्ट करना है, क्योंकि हेडेक ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है, थोड़ा थोड़ा वो बढ़े इससे पहले मुझे थोड़ा सा रेस्ट चाहिए। ये सब भी समेटना है, जो डेली का काम है वो तो करना ही है, और आज मुझे लाइव भी जाना है इंस्टाग्राम पे 12 बजे, तो क्योंकि बहुत सारे लोगों ने DM किया है, बहुत सारे लोगों ने कि बात करनी है करके, तो मैंने सोचा कि आज जाऊँ मैं लाइव। सो गाइस फाइनली मेरे सारे काम ख़त्म हो गए हैं, और अभी टाइम है लाइव आने का, तो मैं अभी इंस्टा पे लाइव जाऊँगी, और आशवी सिंह देखिए क्या कर रही हैं। क्या कर रही हो बेबी आशवी, क्या कर रही हो बेबी, इधर बोलो, इधर बोलो, हाय बोलो सबको, आशु सबको हाय बोलो हाय बोलो एक्चुअली आप ही को सर्व खाना होता है, या तो आपके हस्बैंड खा सकते हैं और कोई नहीं खा सकता, तो या तो आप ख़त्म करो या तो आपके हस्बैंड आपके पास हो तो वो खा सकते हैं। बहुत मीठा है बट स्मेल नहीं पसंद यार मुझे इसकी, लिहाजा कोई चीज़ आपको पसंद ना हो और आपको तेज वाली भूख लगी हो ना तो अच्छा ही लगता है। और ये प्रसाद बासी नहीं करते हैं इसको, जो भी ताज़ा ताज़ा ही होता है ना इसको खा लेते हैं, मतलब आज के दिन ही ख़त्म करना होता है आपको, अगला दिन नहीं लाना होता है। और मम्मी फ़ोन पे बात कर रही हैं तो ला रही हैं, बहुत तेज़ है शायद आप लोगों को उनकी भी आवाज़ आ रही होगी। तो आज का दिन अच्छा था, व्रत पूजा करके बहुत मज़ा आया, मैंने बहुत प्यारे प्यारे रील भी बनाए हैं ऑन इंस्टाग्राम, तो आप लोग मुझे वहाँ भी फॉलो कर लीजिएगा, ID है इट ऑफिशियल 95। आप लोग ना एक चीज़ बताना कि क्या हो रहा है ना कि अभी जब भी मैं स्किन केयर या मेकअप कर रही हूँ ना, तो मुझे पता नहीं स्किन केयर मेकअप नहीं, अभी मैं कुछ टाइम से जो भी वीडियोस कर रही हूँ ना उनकी रीच ही नहीं हो रही बिल्कुल, और व्यूज़ ही नहीं आ रहे, मतलब जैसे मैं ना मेरी ID में किसी ने फ्रिज कर दिया हो, ये ऐसा पता नहीं क्यों है। ऐसा तो मेरे स्टार्टअप में नहीं थे यार, जब मैंने फ़र्स्ट वीडियो डाला था तब भी नहीं था ऐसा कभी हुआ, तो पता नहीं क्यों। तो इसका ये है कि इसमें आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए लोगों में, और हो सकता है सब कुछ ठीक हो, फिर से बेटर होने लगे।